क्या हो गया भाई? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ क्या? हेलो मरहबा, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएमएच व्लॉग्स एंड दिस योर बॉय मोहम्मद मेधा हुसैन। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और तुमको हमेशा मेरे सामने ही आवाज़ करना होता है हरामी। इस गाड़ी को इसलिए मैं बहुत ख़राब पाता हूँ, बहुत ही ख़राब, ज़्यादा ख़राब पाता हूँ इस गाड़ी को। मेरे हर वीडियो में इस गाड़ी को मैं जब भी देखता हूँ, मतलब मेरे अंदर के आत्मा से एक भड़ास निकलता है इस गाड़ी को देखने के बाद, इतना आवाज़ करता है साला। तो जो भी होता, अब तो सीन कुछ ऐसा है कि आज वाला वीडियो खत्म हो चुका था गरबंगा का, तेल वेल घुसा के अभी हम जा रहे टुवर्ड्स वायरलेस। ओके, वायरलेस अपने यहीं पे पास में ही है वायरलेस। तो उधर भी एक्चुअली ये वायरलेस में मैं कल जा चुका था, लेकिन कल के क्लिप्स में क्या हुआ था कि मेरा वॉइस नहीं आया था, सिर्फ बाइक का ही आवाज़ आ रहा था ज़्यादा। तो इसलिए आज अच्छे से फिर से जाते हैं वायरलेस। लेकिन उससे पहले अपन को कुछ पीना है, क्योंकि तब से मैं दुकान मुझे बहुत सारे मिले, लेकिन किसी में भी गूगल पे का ऑप्शन नहीं था और हमारे पास कैश नहीं है। तो अभी बस गूगल पे वाला दुकान मिल जाए वही बात है, कुछ पी लेते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर चढ़ाई करेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि बिना पानी पिए हम चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, गला सूख गया है रे बाबा हमारा। तो अभी हमको चाहिए पहला चीज़ पानी। तो एक काम करता हूँ, दुकान देखता हूँ, नहीं मिलेगा तो कल हम लोग यहीं पे आए थे अपने सुफियर भाई के पास, उनका यहीं पे घर है, तो उनके घर में जाके पानी पी लूँगा। दोनों में से कुछ एक तो करना ही पड़ेगा। इस दुकान में होगा क्या? ना रे बाबा, इसमें भी नहीं है। बहुत दुख हो रहा है रे आज। गुवाहाटी इतना उन्नति करने के बाद भी इस एरिया में गूगल पे नहीं है इन लोगों के पास। वाह, और मिला गूगल पे का दुकान मिला रे भाई साहब, मिला। इनके पास ठंडा है कि नहीं है, जान पे जाना है। यहाँ पे हमने पिया एक हेल। तो जिस दुकान में मैं रुका के घुमाया था उस दुकान में ठंडा नहीं था, उसके ऑपोजिट वाली दुकान में मुझे ठंडा मिल गया। तो वहाँ पे रोक के मैंने पिया एक हेल शांति से, अच्छा लगा पीकर। हाँ, अभी जाके जान में जाना है भाई साहब। एकदम गला वाला सूख गया था मेरा पूरा, इसलिए गर्मी का दिन में पूरा हाइड्रेटेड देना पड़ेगा। इसलिए आज से मैं पानी का बोतल कैरी करने वाला हूँ एक साथ में। सोच रहा हूँ यहीं पे गए पानी का होल्डर एक, मतलब बोतल होल्डर एक लगा लूँ कहीं पे मैं, मतलब बाइक में रहेगा तब अच्छा रहेगा। बस एक ही चीज़ का दुख रहेगा तब कि पानी गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं रहेगा पानी। ये गाड़ी क्यों बना था मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लगता मुझे गाड़ी तो, पता नहीं क्यों। वाई आई डोंट लाइक दिस स्कूटी। अच्छा जो भी हो। और इनको देखो अपने एक्टिवा में टायर बांध के लेके जा रहे हैं, पूरा इस्तेमाल किया जाएगा अपना गाड़ी का। पैसा जितना लगाया है पूरा पैसा का वसूली करना है एक ही गाड़ी से। हाँ, जो भी हो। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट की तरफ, ये लोग जाएंगे ट्रक में, फुरी में, फोकट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे लेफ्ट की तरफ ऊपर। यही था ना रास्ता? मुझे तो यही लगता है। ये था कि नहीं था भाई? आगे जाके पता चली जाएगा ये था कि नहीं था। वो तो यहाँ का रास्ता भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, बस ऊपर में जहाँ पे मतलब असली वाला लोकेशन है वहाँ पे जाके थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, वही है। बाकी यहाँ का पूरा रास्ता ठीक ठाक ही है। देख पा रहे हो आप लोग कि हमें यहाँ पे खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि रास्ता काफ़ी ठीक ठाक है भाई साहब। 4 नंबर पे हम बाइक खींच रहे हैं। यहाँ पे कितना है? 4 नंबर है ना? अरे 5 नंबर पे बाइक खींच रहा था मैं भाई साहब। अपन का जैसे प्रो किधर है डॉगी? जरा देख के, इधर कल भी कुछ हो रहा था, आज भी कुछ हो ही रहा है, अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किसी चीज़ का मंदिर है, श्री श्री माँ मनोका मंदिर। ओके, यहाँ पे एक्चुअली दो लोकेशन है, मैं आपको दोनों लोकेशन दिखाता हूँ। चलिए उस दिन हम आया था यहाँ पे पिलियन लेके, क्योंकि हम ये रास्ता जानते हैं नहीं, तो उस दिन आया था हमारे इंद्रा भाई को लेके। उस दिन नहीं कल, मतलब कल आए थे हम लोग यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने जब माइक है वो धोखा दे दिया था कल के क्लिप्स में, तो इसलिए आज फिर से आए हम। वाह ओके, यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट होता है। हमारे चक्का में थोड़ा हवा कम है भाई साहब। चलने का मज़ा ही अलग है एक्सप्रेस को ऐसा रास्तों पर। ओह क्या स्किट किया है पीछे का रखा, लवली स्किट। इस गाड़ी को देखो, हालत देखो इस गाड़ी का। सफ़ेद गाड़ी येल्लो हो गई, उसको जॉइंडिस हो गया गाड़ी टू। ये रास्ता है जो घुसता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे दो लोकेशन है, असली लोकेशन लेफ्ट में है। हम आपको पहले ये वाला लोकेशन दिखा के लाते। चलिए ये है पहला लोकेशन, देख लीजिए। हमें जाना है वो वाला में। ये है पहला लोकेशन जो हमने कल डिस्कवर किया था। यहाँ से भी गुवाहाटी काफ़ी सुंदर दिखता है भाई साहब। तो चलिए दिखा दिया पहला लोकेशन, अभी चलते हैं हम दूसरा लोकेशन पर। ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, इसलिए रुकने का मन नहीं है। यहाँ से जाएगा दूसरा लोकेशन। जो लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको यहाँ का रील देखने को मिल चुका है। हम लोग यहाँ पे आए थे कल, तो कल हमने वीडियो तो शूट किया ही था जो काम में नहीं आया, लेकिन यहाँ का रील काम में आ गया था। तो रील का वीडियो हमारे इंस्टाग्राम में पहुँच चुका है। अगर देखना हो तो जाके चेक कर लीजिएगा, यहीं पे कहीं पे आ रहा होगा इंस्टाग्राम का आईडी मेरा। टर्निंग सब में एडवेंचर बाइक में यही अच्छा है कि जस्ट गियर डाउन दो थोड़ा, इसको एक्सीलेटर को थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर को थोड़ा थ्रोटल कर दो, बस चक्का अपने आप घूम जाता है। क्या कूदा है। रास्ता ठीक हो गया भाई साहब। ये है सेकंड लोकेशन। काफ़ी सुंदर है भाई साहब। ओह यहाँ पर जुविंदा मेन किला। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ का सिनेमेटिक्स पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो क्या करने का है, वीडियो को एक लाइक करने का। ठीक है भाई साहब। और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत करते हैं भाई साहब, नीचे से पानी लेके ऊपर तक जाते हैं। कहाँ नीचे से पानी लाना पड़ता है यार। कूदने में जो मज़ा आया है ना इधर, माँ कसम। ये रास्ता किधर ज़्यादा पता नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मालूम करेंगे। अभी हमें लग रहा है भूख धीरे धीरे, तो जल्दी से जल्दी उतरना है अपन को। घर में हम पेलम पुलाई कर लिए थोड़ा, क्योंकि एक्सट्रैक्स आने वाला है, 13 तारीख से शुरू होने वाला है एक्सट्रैक्स, तो वहाँ के लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है थोड़ा। गाड़ी बंद हो गया रे बाबा, हमारा गाड़ी बंद हो गया रे। ऐसे कैसे होगा रे, ऐसे कैसे होगा रे। तो जिस दिन हम ट्रैक में जाएंगे शायद हमें थोड़ा सा, तो जिस दिन हम लोग मतलब ट्रैक में जाएंगे शायद उस दिन मुझे थोड़ा सा अपना RPM को हाई करके जाना पड़ेगा, नहीं तो साला बंद हो जाएगा। हरामी बंद हो जाता है साला। मैं तो तेरे को देव मानस समझता था रे, तू तो हरामी निकला रे बाबा। ऑफ रोडिंग में काफ़ी थकान होता है रे भाई साहब। यहाँ से अच्छा रास्ता है रे बाबा। चलिए अभी नीचे चलते हैं। ये लोकेशन भी काफ़ी ठीक ठाक ही था ना, जैसे मुझे यहाँ पे आने से काफ़ी मज़ा आता है। ये शॉर्ट ट्रैक होता है, ऑफ रोडिंग तो शॉर्ट है, लेकिन फालने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि टर्निंग्स बहुत हैवी है उधर। देख आप लोग ने देखा कैसे टर्निंग है वहाँ पर। ये क्या टर्निंग लिया है हमने आज। बस थोड़ा सा और हाथ बैठाना है कि पैर उतारो, एक्सीलेट करो और निकल जाओ, वो बस उतना ही हाथ बैठाना है, जैसे मोटोक्रॉस में होता है। और अभी मतलब वैसे मैं कभी उतना खेला वाला हूँ नहीं, तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं। ऐसे रोड पे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन ये सब में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा, क्योंकि अभी एडवेंचर मिला ही तो है कुछ दिनों पहले हमें। ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं। मुंह में चम्मच लेके मार्बल लेके पैदल चल रहे हैं लोग, पता नहीं। तो उतरते हैं पहाड़ से, जाते हैं घर। बाइक को भी धोना हुआ, काफ़ी गंदा हो चुका है बाइक दोनों पहाड़ में। एक तो पहले वो गरभंगा का पहाड़ में जाके गंदा हुआ, अभी तो यहाँ पे तो पूरा लाल मिट्टी था भाई साहब, इधर तो और ही गंदा हो चुका है बाइक। तो फटाफट से जाते हैं, अभी बाइक को धुलवाते हैं, धो के हम घर जाके खाना वाना खाएँगे, नहाएंगे। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब सब कुछ करने का है, समझ गए भाई साहब, सब कुछ करने का है भाई लोग, सब कुछ करने का है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू जस्ट एंजॉय योर बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे।